स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी गवर्नमेंट 1 करोड़ स्टूडेंट्स को लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन देने जा रही है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये न्यूज़ मालूम चल गई है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ फेक नहीं है, न्यूज़ रियल है। आप सभी को लैपटॉप टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा। अब देखिए किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, चलिए एक बार और बता देते हैं। उसके बाद से जो आज का टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और किन किन स्टूडेंट्स को ये मिलेगा जो स्नातक में है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन में है, डिप्लोमा में है और प्रास्नातक यानी स्नातकोत्तर में है। इन सब के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, इन सभी को मतलब 1 करोड़ स्टूडेंट को लगभग लैपटॉप टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब बात कहाँ पे फंसती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि इसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका हाई स्कूल और इंटर में परसेंटेज कितना होना चाहिए। हालांकि ये इंटरनेट पर दिखा रहा है, हो सके कि ये हटा भी दिया जाए, सबको मिले या फिर और बढ़ा भी दिया जाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो आपको बना रखा है। दूसरी बात हो सकती है, दूसरी बात क्या थी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे आजाद निवास, ये सब आप मतलब जो नया चाहिए, नया चाहिए, ये नहीं कि आप 3 साल 2 साल पहले का पुराना रखें तो उससे आपकी दिक्कत हो जाएगी, आप पहले से बनवा के रखेंगे जैसे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया था, परसेंटेज के बारे में मैंने बता दिया था, अदरवाइज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दे दी थी। अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, जैसे मेरा एज, जैसे मान लीजिए कि मैं डिप्लोमा ही कर रहा हूँ, ठीक है, डिप्लोमा कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अदरवाइज किसी भी ब्रांच से हूँ, तो क्या मेरा एज 18 साल से कम है, भले ही मैं डिप्लोमा ही का स्टूडेंट हूँ, क्यों ना हूँ, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, बीटेक का, आईटीआई, डिफार्मा, किसी भी क्षेत्र का स्टूडेंट हूँ, फील्ड का स्टूडेंट हूँ, क्या मेरी एज 18 साल से कम है तो मैं इसका लाभ उठा पाऊंगा। दूसरी बात क्या फंस रही है, क्या इस बार जैसे कि आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स इंट्रेंस एग्जाम जो अभी हाल में जेई कप का एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो क्या वो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश करने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो क्या वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे इस लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन के लिए, क्या उनको ये सब मिल पाएगी सुविधा। तीसरी बात होती है, क्या रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए कोई फीस लगेगी, जैसे कि आपको मालूम है कोई भी गवर्नमेंट सर्विस मतलब वैकेंसी आती है तो उसके अप्लाई करने के लिए 100, 200, 500 रुपये ऐसे फीस रहती है, तो क्या इसके लिए भी कोई फीस लगेगी। चौथी बात है कि क्या कब तक मिल सकता है, मतलब आपका जो लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन मतलब जो भी मिलना है कब तक मिल सकता है, मतलब लगभग कितने महीने तक आगे तक जा सकता है, या फिर कब तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 5 महीने कब तक आपका मिल सकता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे आपको। सबसे पहले एक बार और बता दें कि यूपी गवर्नमेंट ने ये काफ़ी अच्छी स्कीम निकाली है, जो कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को वादा किया है, मतलब वादा नहीं, मतलब अपने ओर से देने को वादा किया, जैसे कहा है कि हाँ इससे काफ़ी स्टूडेंट को क्या होगी, जैसे पढ़ने में, जैसे आपके मालूम चला होगा पीछे अभी 1 साल पहले के ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी जिनके पास टैबलेट मोबाइल या फिर स्मार्टफोन या अदरवाइज ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, पढ़ने की ऑनलाइन सुविधा कोई नहीं थी, तो इसके लिए काफ़ी आसान होगा स्टूडेंट्स को कि वो आसानी से पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं, देखिए पहले बात करेंगे कि जो 18 साल से कम है उनके लिए, 18 साल से कम है उनके लिए, चलिए इससे पहले एक दो और बातें बताएं, जैसे कि आपको मैंने बता भी दिया था डॉक्यूमेंट्स के बारे में और परसेंटेज के बारे में, तो हो सके कि वो रूल अभी हट जाए, चेंज भी हो जाए, सोचे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरनेट पर अभी आपका हाल ही में यही दिखा रहा है, तो हो सके इसको चेंज कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। अब बात कर लेते हैं पहले जिनकी एज 18 साल से कम है आधार कार्ड पर या फिर अदरवाइज कहीं भी, क्या वो इसका लाभ उठा पाएंगे, तो इसका आंसर है हाँ, जी हाँ, वो इसका लाभ उठा पाएंगे, भले आपकी उम्र 10 साल 5 साल, हालांकि 5 साल तो होगी नहीं आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये अगर 17-16 कैसे भी है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, मतलब डिप्लोमा के अंतर्गत पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कहिए या फिर ऐसे बीएमए मतलब ग्रेजुएशन में है, तो आप किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत है, अगर आप स्नातक और डिप्लोमा और परास्नातक के अंतर्गत आते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, भले ही आपका एज कम हो। हाँ, आधार कार्ड में आपका करेक्शन रहना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, ये बात हो गई। दूसरा बात है यह कि क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट अभी जेई कप का एग्जाम में प्रवेश करने वाले हैं, क्या वो इसका लाभ उठा पाएंगे, तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा समय है, ठीक है, अभी आपको जैसे किसी कंपनी को दिया हो गया होगा स्मार्टफोन टैबलेट लैपटॉप बनाने के लिए, वो बनाएगा तो अभी इसका प्रोसेस अभी तो लिंक भी नहीं आया है रजिस्ट्रेशन का, तो काफ़ी सारे अभी प्रोसेस बाकी हैं, तो तब तक जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनका 27 के बाद से कॉलेज चालू हो जाएगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, इनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा, इसमें इनरोलमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनरोलमेंट नंबर की सहायता से ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। चौथी बात, तीसरी बात क्या थी, जैसे क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई फीस मिलेगा, जैसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट वैकेंसी जाती हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई फीस देना पड़ता है, जी हाँ, इसमें कोई आपको फीस ना देना होगा, ये शायद बिल्कुल फ्री होगा, जहाँ तक अभी तक मालूम है न्यूज़ के हिसाब से ये बिल्कुल फ्री होगा। अब कब तक मिल सकता है इसकी बात करते हैं, तो देखिए कम से कम आपका 2-3 महीने अभी लग सकता है, इसलिए कि अभी काफ़ी सारे वर्क जो है प्रोसेस में है, मतलब काम चल रहे हैं इस पर सारी चीज़ें, जैसे कि आपको यह इंटरफेस दिख भी रहा होगा, प्रदेश सरकार 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी, यहाँ पे दिया है स्नातक परास्नातक तकनीकी और डिप्लोमा के नौजवानों को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है टैबलेट और स्मार्टफोन, तो टैबलेट स्मार्टफोन लैपटॉप की यहाँ पे कोई बात नहीं कही है, तो हो सकता है कि लैपटॉप ना मिले आपको, इसलिए कि लैपटॉप थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं टैबलेट और स्मार्टफोन में आपका कौन सा मिलने का चांस है, तो आपका टैबलेट जो है वो मिलने का चांसेस ज़्यादा है, स्मार्टफोन रहेगा तो इसमें भी कोई पढ़ाई करने में ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट अदरवाइज इसमें काफ़ी सारी दूसरे तरीके से यूज करने लगेंगे, तो आपका टैबलेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है, और टैबलेट मिलेगा तो बढ़िया भी रहेगा, कोई
कुछ भी मिले फ्री में मिल रहा है तो बढ़िया है हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये सब सुविधाएँ नहीं है। तो देखिए आप पहले से मैं कहूँगा कि आप जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लेंगे, जैसे आजाद निवास हो गया और आधार कार्ड में करेक्शन, मोबाइल नंबर लिंक, ये सब सारी चीज़ें आप, जैसे कि ऑनलाइन स्कॉलरशिप की फॉर्म भी अब आने वाली है, जल्दी आने वाली है पॉलिटेक्निक का। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मेरे विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मतलब विद्यार्थी हैं, अदरवाइज कोई भी देख रहा हो उसके लिए नॉलेजेबल है कि आप अपना आधार मतलब आधार कार्ड करेक्शन करा लेंगे, आयात निवास, ये सब सारी चीज़ें आप हो सके कि पैन कार्ड भी मांग ले आपसे, तो सारी चीज़ें आप प्रोसेस मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखेंगे कि जैसे ही आपका आए, इसलिए कि आपका ये छूटना ना जाए, इसी के लिए फ्री मिल रहा है तो आपका ये छूट ना जाए, इसलिए कि आप पहले से डॉक्यूमेंट्स को एकदम व्यवस्थित किए रहेंगे तो आपका बस आएगा तो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसको मतलब प्राप्त कर लेंगे, इसका लाभ आप उठा लेंगे। अब देखिए बात यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि जो 18 साल वाली है एज वाली, मैंने बार बार बता रखा है कि 18 साल से आपका कम है या फिर ज़्यादा है उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखिए अब लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट के देने जाना है तो आप मतलब फिलहाल में लगभग यूपी की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 23 करोड़ के आसपास है। 23 करोड़ में जो बच्चे बूढ़े काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे और 1 करोड़ स्टूडेंट्स को मिला है, मतलब केवल स्टूडेंट्स को मिला है, जो स्नातक मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट को छोड़ दीजिए वो उनको भी अभी माइनस कर दीजिए, तो काफ़ी सारे जैसे सबको लगभग इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कि 1 करोड़ मतलब जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है और जिसमें मान लीजिए कि यूपी की जो पूरी पॉपुलेशन है 23 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ स्टूडेंट्स को वो भी जो स्नातक डिप्लोमा और परास्नातक में है उनको केवल मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी सुविधा होगी पढ़ाई करने में। अब देखिए जो आपका लिंक आएगा, जैसे ही आपका लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन का लिंक, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, अदरवाइज हर जगह पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन करके इसका आप लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर जरूर रिप्लाई मिलेगा और जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।